concepts of active marks. Heading, concept of active marks. देखिए, जब हम शुरुआत में केमिकल इक्विलिब्रियम जब डिस्कस कर रहे थे, जब बन रहा था ये चैप्टर, तो हमें ये चीज़ पता चली कि जो केमिकल रेट है, यानी कि जो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज होने की रेट है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है और कई सब्सटेंस के लिए डिपेंड नहीं करती. यानी सॉलिड और लिक्विड के लिए ये जनरली डिपेंड नहीं करती थी. तो हमने एक नया कंसेप्ट लिया, यानी उस कंसंट्रेशन को हमने क्या नाम दिया, एक्टिव मास. तो या आसान भाषा में इसको समझिए, एक्टिव मास की अगर डेफिनेशन आप बनाएं तो ये एक तरह से कंसंट्रेशन है. इट इज ए, लिख लीजिए, इट इज ए इफेक्टिव, इट इज ए इफेक्टिव अमाउंट और कंसंट्रेशंस, और कंसंट्रेशंस ऑफ सब्सटेंस ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स. देखिए, आसान भाषा में समझो, सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, लेकिन उसमें से मैंने 90 लाख किसी को उधार दे रखे हैं जो आने के नहीं है. तो बताइए मेरी पावर क्या है, 1 करोड़ या 10 लाख या 90 लाख. 10 लाख जो वास्तव में मेरे पास है. तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास बहुत सारा अमाउंट है, लेकिन वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व ही नहीं हो रहा, वो सब नीचे बैठा हुआ है. कहाँ बैठा हुआ है, पीपीटी के रूप में नीचे बैठा हुआ है, प्रेसिपिटेट में. तो क्या वो एक्टिव मास में काउंट होना चाहिए, नहीं. तो इस तरह से रिएक्शन में जो सब्सटेंस है उसका पूरा मास आपको जरूरी नहीं है कि यूज हो पाएगा. तो एक्टिव मास की डेफिनेशन ये, इट इज ए इफेक्टिव अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ सब्सटेंस ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स. अमाउंट और कंसंट्रेशंस, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अमाउंट कंसंट्रेशन में लो, पार्शियल प्रेशर में लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में रेट उस पर डिपेंड करती हो. तो कैसे लिखेंगे, इन जनरल एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड we assume that one, yani solid liquid ke amount jo hote hain na gases reaction mein, khas taur par koi khas fark nahi padta unke upar, to humne unka active mass kya maan liya, one. yani in pe dependency kya ho gayi, kuch bhi nahi hai, one ka matlab ek constant ho gaya. to is assume one. to agar aapse kaha jaye ki aapke paas ek container hai, ये जिसमें ये CaO है और कुछ CaCO3 है, तो CaO भी है और CaCO3 भी है. मान लीजिए ये W1 ग्राम है और ये क्या है, W2 ग्राम, और यहाँ कुछ गैस बनी हुई है जिसका नाम है CO2. समझ में आ रहा है, तो CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है हीटिंग करने पर, CaO प्लस CO2. तो बताइए ये सॉलिड है, हाँ. CaO सॉलिड है, हाँ. CO2 सॉलिड है, नहीं, ये गैस है. तो एक्टिव मास अगर हम बात करें, तो हमने एक्टिव मास को इस तरह से बनाया, CaCO3, हम इसको क्या बोलेंगे, 1, क्योंकि सॉलिड है. CaO के लिए क्या बोलेंगे, 1, और CO2 के लिए क्या बोलेंगे, यहां हमारे पास मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आएगा. क्या आएगा, क्योंकि ये गैस है, तो यानी कि यहां पर क्या होगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये वी लीटर है, कितना है, वी लीटर,
बताइए CO2 का मोलर और टेम्परेचर वगैरह सब दिया गया है, STP कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो आप बता सकते हैं CO2 का एक्टिव मास कितना हो जाएगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल कितने होंगे, वी लीटर दे रखा है, डिवाइडेड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय वी, वॉल्यूम इन लीटर। ये वी से वी क्रॉस हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22.1 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल पर लीटर। यानी अगर कंटेनर में सिर्फ एक ही गैस है CO2 यहाँ पर, और STP कंडीशन दे रखी है, तो आपके पास उसका एक्टिव मास भी फिक्स है और वो कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 22.4। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे क्या एक्टिव मास चेंज होगा, हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये STP पर है। तो यहाँ एक छोटी सी बात थी जो आपको मैंने समझा दिया, बाकी सबका एक्टिव मास कितना है, 1 1। तो ये हमारे लिए हो गया फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड, तीनों का एक्टिव मास आपको पता चल गया। एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, जहां आपके पास N2 गैस है, H2 गैस है, अमोनिया गैस है। मान लीजिए ये 10 ग्राम है, ये 20 ग्राम है और ये 30 ग्राम है, समझ में आ रहा है। तो सब और वॉल्यूम जो दे रखा है वो 10 लीटर है कंटेनर का, तो सभी का एक्टिव मास निकालने को बोल रहा है। सबसे पहले आपने N2 का निकाला, कैसे निकालोगे, और H2 का निकालो और अमोनिया का भी निकाल के दो। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि क्या ये गैस है, हाँ ये गैस है, हाँ ये गैस है, हाँ। अगर सॉलिड लिक्विड होता तो इक्वल क्या करके कर देते, 1। आ रही है बात समझ में। अब एक्टिव मास N2 का कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 28। H2 का कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 2। और अमोनिया का कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 17। ये तो मोल हुए, ये एक्टिव मास नहीं है। तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। तो वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास करके मोल आ गया, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके आपके पास क्या आ जाएगा, एक्टिव मास। और एक्टिव मास की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, मोल पर लीटर, जिसको आप कैपिटल एम भी बोल सकते हो, जिसको आप मोलर भी बोल सकते हो, बात एक ही है, मोल पर लीटर, मोलर और कैपिटल एम सेम थिंग है। बार बार मैं बोलता हूँ, लिख लीजिए इसको, लॉ ऑफ मास एक्शंस, या हम इसको बोल सकते हैं एक्टिव मास। किसने दिया था, गुलबर्ग एंड वॉगे। क्या कहता है ये कहता है किसी भी रेट, रिएक्शन की रेट, पहले मैं बता दूं कोई भी रिएक्शन से उसको हम कैसे लिखते हैं, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, सी मोल ऑफ सी और डी मोल ऑफ डी। यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है और ए बी सी डी स्मॉल ये बैलेंसिंग कॉफिशियंट है। तो आप जब इसको देखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन या एक्टिव मास से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो ये यही कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ एक्टिव मास वो मास है जिस पर रेट डायरेक्ट डिपेंड करती है। अब इसने उस चीज़ को उल्टा बोल दिया है कि क्या बोला इसने, बोला वही है लेकिन बोलने का तरीका ये, रेट ऑफ रिएक्शंस इज प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस। तो हम अगर बात करेंगे इसके लिए के फॉरवर्ड, सॉरी रेट ऑफ फॉरवर्ड, RF का मतलब रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रेट फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड, बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी दोनों पे। लेकिन अगर ए का कॉफिशियंट ज्यादा है तो वहां पर पावर भी ज्यादा होगी, बी का ज्यादा है तो वो भी चेंज होगा। तो यहां पर हम एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस विद सुइटेबल पावर लिख देते हैं, विद सुइटेबल पावर। तो हमारे पास ये चीज हो जाएगी, हम इसको बोल सकते हैं RF, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, KF ए पावर ए
और b पावर क्या आ जाएगा, b। इसी तरह से बैकवर्ड के लिए बात करेंगे, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल हुई तो बैकवर्ड भी होगी। आर बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, सी पावर सी डी पावर डी, और हमारे पास आर बैकवर्ड हो जाएगा के बैकवर्ड सी पावर सी और डी पावर डी, ये दोनों तरफ रेट हो गई हमारे पास इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। ये हमारे लिए हो गया लॉ ऑफ एक्टिव मास। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ एक्टिव मास, तो एक और पॉइंट आता है हमारा इसी के साथ, डेरिवेशंस। तो हमारे पास होता है सेकंड पॉइंट नेक्स्ट, और वो है कंसेप्ट ऑफ, कंसेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां एक बात ध्यान रखना, आरएफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस, आरबी क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस, बैकवर्ड डायरेक्शंस, और के फॉरवर्ड के बैकवर्ड क्या है यहां पर, रेट कांस्टेंट। ये छोटा सा पॉइंट से जो इस ऊपर इक्वेशंस में हमें याद रखना था। तो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है इसको समझते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है हमारा पास कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में, कि ये हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट पे डिफाइन होगा। तो हम यहां पर यही बोलेंगे, डिफाइन ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे डिफाइन कर रहा हूं मैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक खास बात होती है कि जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट होती है उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है। एट द इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब आप आर फॉरवर्ड को आर बैकवर्ड के बराबर करते हो, तो आपके पास एक सामने क्या इक्वेशन बनेगी, आर फॉरवर्ड की वैल्यू रख दीजिए के फॉरवर्ड ए पावर ए, बी फॉरवर्ड ए पावर ए बी पावर बी, और बी फॉरवर्ड की वैल्यू कितनी है, के बी सी पावर सी और डी पावर डी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो जब आप इन दोनों को बराबर कर दोगे, तो आप ही जानते हो के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड का रेशियो जो होगा इस जगह, क्योंकि दो कांस्टेंट मुझे एक ही इक्वेशन में पसंद नहीं है। तो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड की वैल्यू कितनी होगी, सी पावर सी डी पावर डी, ए पावर ए बी पावर बी। एक ही इक्वेशंस में दो कांस्टेंट मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, तो जब दो इक्वेशन दो कांस्टेंट नहीं आएंगे, तो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी सी पावर सी डी पावर डी, ए पावर ए बी पावर बी। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं क्या नाम दे सकता हूं, केसी भी दे सकता हूं। क्या के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमेशा केसी बोलेंगे, नहीं, कब बोलेंगे, जब यहां पर टर्म कंसंट्रेशन की हो, और अगर कंसंट्रेशन नहीं होता, प्रेशर होता, ये पूरा कंसेप्ट प्रेशर होता, तो हमारे पास ये दो टर्म में डिवाइड हो जाता इस तरह से, केसी एंड केपी। तो केसी की वैल्यू क्या होगी, सी पावर सी डी पावर डी, ए पावर ए बी पावर बी, और केपी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर में हम बात करते हैं हर चीज, यानी कि प्रेशर, क्योंकि कंसंट्रेशन के भी प्रेशर प्रोपोर्शनल है, सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल है, मोल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, तो सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। आप इनमें से कोई भी टर्म ले सकते हैं, लेकिन मैंने पार्शियल प्रेशर लिया है, तो प्रेशर सी पावर सी मल्टीप्लाई बाय पी डी पावर डी,
ये प्रेशर है पार्शियल प्रेशर, और हम अगला क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर ए पावर ए और पार्शियल प्रेशर बी पावर बी। तो ये हमारे पास केपी हो गया, क्या हो गया केपी, और ये हमारे पास क्या हो गया केसी। अगर प्रेशर के टर्म में ले रहे हैं केपी, मोल फ्रैक्शन के टर्म में ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन आ जाएगा एक्स, और अगर कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो केसी। हमारे सिलेबस में सिर्फ केसी एंड केपी है, क्या है केसी एंड केपी। तो ये दोनों हमारे लिए कांस्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि दो कांस्टेंट का रेशियो भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो हमारे लिए कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो ये पार्शियल प्रेशर क्या है, क्योंकि हमने पार्शियल प्रेशर को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको हम पार्शियल प्रेशर को भी एक बार टर्म देख लेते हैं। तो पहले यहाँ तक करिए आप। तो चलिए एक और कंसेप्ट हम समझते हैं, और वो है रिलेशंस, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। यानी दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केपी और एक केसी है, उनमें आपस में रिलेशन हमें डेराइव करना है। तो क्या आप ये जानते हैं कि केपी क्या होता है केसी क्या होता है? हाँ जानते होंगे, लेकिन आपको एक और चीज़ निकालनी है, वो है प्रेशर एंड कंसंट्रेशन में रिलेशंस। तो बाय आइडियल गैस इक्वेशंस, गैस इक्वेशंस आप क्या जानते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी जानते हैं, तो पी इक्वल टू यहाँ आपको पास एन डिवाइडेड बाई वी आर टी हो जाएगा, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा सी आर टी कंसंट्रेशन, यहाँ पर मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिस। तो ये तो हमें मालूम हो गया प्रेशर और कंसंट्रेशन में रिलेशंस। दूसरा क्या आप जानते हैं केपी क्या होता है? हाँ केपी इक्वल टू आप जानते हैं कोई भी रिएक्शन के लिए, पहले रिएक्शन एज्यूम करो ए मोल ऑफ ए बी मोल ऑफ बी और सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी, और सभी आपको गैसेस दी हुई है। अगर आपको कोई गैस नहीं दिया होता तो आप उसको क्या मान लेते, एक्टिव मास वन, उसको काट देते सॉलिड और लिक्विड को, तो हम बिना देखे ही काट देते हैं, लेकिन सब गैस दे रखा है। तो बताइए इसके लिए केपी कितना होगा, इसके लिए केपी होगा पार्शियल प्रेशर सी पावर सी, पार्शियल प्रेशर डी पावर डी, पार्शियल प्रेशर ए पावर ए, पार्शियल प्रेशर बी पावर बी। बोलो होगा। तो जब आप सी की पावर सी लिख रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन सी पावर सी आर टी पावर सी लिख सकते हैं, और डी का पार्शियल प्रेशर आप क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन डी आर टी पावर डी, और ए की जगह क्या लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी पावर ए, और बी की जगह क्या लिख सकते हैं बी आर टी पावर बी लिख सकते हैं। तो यहां आपके पास जब चीज आ रही है तो आपके पास ये पूरी क्या होगी, सी पावर सी डी पावर डी ए पावर ए बी पावर बी, तो ये तो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो केसी, केसी केसी की डेफिनेशन से, और यहाँ हो जाएगा आर टी पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, और यहाँ आर टी रहेगा। तो अगर हम इसको और ज़्यादा तरीके से लिखना चाहें तो मैं ये लिख सकता हूँ के पी इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी, और आप अच्छे से जानते हैं डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, सी प्लस डी यानी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये तो आपने हमसे अभी तक किया है। चलिए तो ये एक पॉइंट रहा। तो कुछ एग्जांपल आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एक सीरियल नंबर में लिख रहा हूं, रिएक्शंस लिख रहा हूं मैं, और आपको केपी केसी में रिलेशन बताना है, जो कि केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर क्या होता है डेल्टा एन जी। तो चलिए कितना तेजी से आप बता पा रहे हैं देखते हैं, शुरू करें। तो हमारे पास आ गया सीरियल नंबर वन, मैंने दिया 2a प्लस 3b, रिवर्सिबल दिया 4c प्लस d, और सब पे कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लेंगे गैस, लेकिन मैंने दे दिया। तो बताइए यहाँ पर kp की वैल्यू क्या होगी,
4 plus 1 5 product molecule minus reactant molecule 4 plus 1 5 3 plus 2 5 तो kp equal to kc rt की पावर क्या हो जाएगा 0 और rt की पावर 0 यानी कि 1 kp equal to kc आ रही है बात समझ में तो ये तो पहला ही ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसमें kp equal to क्या आ गया आपके पास kc अब वापस लेते 3a plus 4b c plus d 4d लेकिन ये गैस है ये लिक्विड है ये भी गैस है और ये सॉलिड है तो आपको एक ही चीज देखनी है और वो ये है कि जहां लिक्विड दिखाओ उसको काट दो जहां सॉलिड दिखाओ उसे काट दीजिए क्योंकि उनके एक्टिव मास 1 है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो अब आपके पास बताइए kp इक्वल टू क्या हो जाएगा kc rt पावर 1 - 3 कितना होता है बिल्कुल सही है -2 इसी तरह एक और एग्जांपल अब आपके लिए है 4a plus b 3c plus d तो हमारे पास ये सॉलिड है और ये गैस है ये भी गैस है और ये भी गैस है तो बताइए यहां पर आपके पास क्या रहेगा kp equal to kc rt power 3 - 5 3 - 5 कितना होता है -2 तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस जगह थोड़ा सा और मिला के कि kc equal to kp rt power 2 उल्टा मैं उधर ले गया तो जब आपके पास आसान भाषा में ये है कि क्या दिया हुआ है kc दिया है या kp दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास इस तरह से बन सकता है तो फोर्थ एग्जांपल हमारे को दिया जा रहा है n2 plus thrice h2 twice nh3 सभी गैसेस दे रखी है और पूछा जा रहा है बताइए kc की वैल्यू क्या होगी kp क्या करना चाहिए मुझे rt की पावर क्या लगाना चाहिए 2 - 4 लगाना चाहिए या 4 - 2 रखना चाहिए यहां पर 4 - 2 क्योंकि kc यहां दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 4 - 2 आएगा आपके पास प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तब आता है जब kp इक्वल टू kc हो और rt पावर हो लेकिन अगर kc इक्वल टू kp rt पावर लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस डेल्टा ng तो इसका मतलब होता है माइनस डेल्टा ng के लिए हमें क्या करना पड़ेगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ये हमारे पास हो गया चलिए इसी क्वेश्चंस को कई बार मेंस में या एडवांस में अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है इसके लिए कर्व बनाने के लिए कहा जा सकता है कि बताइए कर्व क्या होगा इस जगह किस-किस के बीच में kp और kc के लिए तो हमें ऐसा दिया जा रहा है एग्जांपल अगर हम बात करें n2 plus thrice h2 forms twice nh3 और find curve between log kp versus log kc तो जो पहले लिखा जाता है वो y एक्सिस पे लिखा जाता है तो अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं यानी यहां मैं log kp लिखूंगा और यहां क्या लिखूंगा log kc तो आप ही बताइए कि इस जगह कैसे हम निकालेंगे कर्व तो पहले हम लिखेंगे kp इक्वल टू क्या होता है kc rt की पावर डेल्टा ng डेल्टा ng की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2 - 4 यानी -2 फिर आप log ले लेंगे log kp की वैल्यू क्या आएगी आपके पास log kc -2 log rt अब आपके पास kp kc this तो यहां आपके पास log kp की जगह आप क्या लिख सकते हैं y log kc की जगह क्या लिख सकते हैं आप
लॉग सी की जगह के सी है, यहाँ पर लॉग के सी की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस टू सी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस टू सी। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, माइनस टू लॉग आर टी। तो कर्व कैसा होगा देखिए, एक तरह से देखा जाए तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का हो सकता है, बोलो हो सकता है ना। लेकिन आप मुझे बताइए कि r की वैल्यू क्या होती है, 0.0821, टेम्परेचर कितना होता है, 273। तो 273 और 0.0821 की वैल्यू क्या होती है, 22.4। लॉग 22.4 आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो ये माइनस बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों का प्रोडक्ट एक से छोटा हो गया, हो सकता है किसी कम टेम्परेचर पर, तो उस कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी हो सकता है। आर टी लॉग आर टी अपने आप में नेगेटिव भी बन सकता है। तो अगर लॉग आर टी अपने आप में नेगेटिव हो गया, तो ये कहना गलत है कि ये हमेशा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा या माइनस सी होगा। ये प्लस सी भी हो सकता है और माइनस सी भी हो सकता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो या माइनस सी हो, कर्व ऐसा जाएगा, या तो ये ऐसा जाएगा, जा सकता है, और हो सकता है आर टी का प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सॉरी वन आ जाए। तो लॉग लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। अब आपके साथ ये है, बहुत अच्छी बात है कि ये कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो थोड़ा सा मैं आपका ध्यान अपने आप में तरह से चाहूंगा कि यहां एक्स का प्रोडक्ट क्या है, जल्दी से बताइए। एक्स यहां पर क्या आ रहा है, एक तरह से वन आ रहा है, तो स्लोप हमेशा क्या रहेगा इसका, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव रहेगा, बस इतना बात ध्यान रखना। तो कौन से नहीं हो सकते, नेगेटिव स्लोप वाले नहीं हो सकते। तो ये सही है, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है, हाँ इसके लिए तीनों सही है। अब बताइए ये सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन कुछ इस तरह की होगी, आ रही है बात समझ में। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए, जल्दी लिखिए इसको। देखो यहां पर ये नहीं पूछा तीनों एक साथ है, यहां आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द पॉसिबल कर्व, द पॉसिबल कर्व। अब सही है, पॉसिबल कर्व बिटवीन लॉग केपी, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, ये पॉसिबल कर्व्स हैं। लेकिन ये क्या है, इम्पॉसिबल, ये कभी भी नहीं हो सकते। एक बार और मैं बता देता हूं, यहां यहां तक तो हम पहुंच ही गए। अगर आर टी की वैल्यू एक से बड़ी है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी। और अगर ये आर टी की वैल्यू वन हो गई, एग्जैक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट वन हो गया, तो लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और लॉग जीरो की वैल्यू यानी कि वाई इक्वल टू सिर्फ एम एक्स रह जाएगा, और वाई इक्वल टू एम एक्स रह जाएगा तो कर्व ये बनेगा। और ऐसा भी तो हो सकता है आर टी की वैल्यू एक से कम रह गई, 0.2 रह गई, 0.3 रह गई, तो लॉग 0.2 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आएगा। तो ये तीनों पॉसिबल है बेटा इस जगह। अब इन तीनों में से एक देखेंगे, सही है। तो ये हमारे पास रहा